हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉग्स, द दैविश फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? जय श्री श्याम। होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जय श्री श्याम। सो स्टे ट्यून्ड, आगे देखिए क्या क्या होता है आज घर में। और भाभी सबको जय श्री श्याम बोल रही है दोबारा। जय श्याम। क्या खाना है आपने? क्या खाना है? ये खाना है? चिज्जी खानी थी। देखिए सवेरे सवेरे चिप्स खा। सो ये आप देख सकते हैं भाभी और कृष्ण की सवेरे सवेरे मस्ती चालू हो चुकी है। तो यहाँ मम्मी दूध उबाल रही है। भाभी बोल के गई थी मम्मी को नहाने जाने से पहले कि दूध उबाल देना मम्मी। सो मम्मी किचन में खड़ी हुई है और यहाँ भैया भी आ चुके हैं ब्रेड और मक्खन लेके। फोन करके बोला था हमने ले आना। पापा परेशान कर रहे हैं, बच्चे को रुला दिया उन्होंने यहाँ पे। चलो सो ये डेजी पीछे पीछे बाहर जा रही है यहाँ पे। और ये मम्मी यहाँ तैयारी कर रही है टिफ़िन पैक करने की। मम्मी ने सब्जी गर्म करने धर दी है। सो गाइस कल आलू मेथी बनी थी, उसका टिफ़िन पैक हो रहे हैं। सो ये बाहर क्रिश बाहर आके खड़ा हो गया। वैसे तो इसको अपनी दादी के साथ बाहर आना बड़ा पसंद है। सो चलो दादी नहीं मिली तो आज बड़े पापा के साथ ही काम चला लेते, वही वाला हिसाब है हर बच्चे का। चलो कोई तो आ ही गया। सो यहाँ ये जा रहे हैं और सबको बाय कह रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सर देख सकते। सो यहाँ भैया डेजी के अंडे गर्म करने के लिए आए थे। कोई करके नहीं जाता, कहते चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ, किसी काम का तो है नहीं कोई इस घर में। सब कुछ कह रहे हो आप, मुझे सब पता, झूठ नहीं बोलना। सो क्रिश को उसकी दादी ने खुद खाने की आदत डाली, वो छोटी छोटी बुर्कियाँ करके उसको दे देती हैं। सो वो खुद खाता है तो इससे बच्चों की हेल्थ भी सही रहती है और उनको खुद खाने की आदत भी पड़ जाती है। सो ये मैं अपनी रोटी ले आई हूँ, दही मक्खन और मिस्सी पॉन्टी। सो यहाँ कृष्ण नहा धो के तैयार हो चुका है और ये मैं डेजी के साथ खेल रही थी। आप देख सकते हैं डेजी कैसे मेरे को भौंक रही है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, उसको हंस परेशान कर रही हूँ। क्या मम्मी बड़े प्यार से डेजी को जिप्स खिला रही थी। जब हम डेजी को लेके आए थे पहली बार, मम्मी ने कभी आज तक डॉग्स को हाथ भी नहीं लगाया, तो देख सकते हैं मम्मी हंस भी रही है इस बात पे। मम्मी ने कभी नहीं हाथ लगाया। देखिए क्रिश तो डेजी के मुंह में पूरा हाथ ही डाल लेता, उसको तो डर ही नहीं लगता बिल्कुल। मम्मी उसको खाने के लिए कह रही तो उसने डेजी को दे दिया कि ले तू ही खा ले। मम्मी ने आज तक डेजी को हाथ नहीं लगाया, तो आज बड़े प्यार से मम्मी उसको खिला रही थी। तो देख सकते हैं डॉग्स आने के बाद बंदे काफ़ी चेंजेस आ ही जाते। सो ये हम धूप सेकने आए थे ऊपर और बहुत अच्छा मौसम हुआ था, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से धूप का मज़ा भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने आज कपड़े धोए थे तो भाभी कपड़े सुखा रही थी ऊपर, थोड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो ये देखिए क्रिश पीछे पीछे डेजी चेयर के नीचे से इधर उधर भागी जा रही है। क्रिश का दोस्त है जो इधर उधर घूम ही जा रहा है उसका बैट लेके। सो ये दादी के पास चला गया क्रिश फटाफट। सो दादी से बातें करवा, चिप्स पड़े हुए थे तो वो चिप्स मांग रहा था, फिर अपना टम्बलर उठा के ले आएगी, पानी पीऊँगा मैं। सो यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ चेयर पे चढ़ने की कोशिश करेगी, यहाँ बैठ के आराम से मैं पानी पीऊँगा। सो यहाँ क्रिश टम्बलर में से पानी फेंक रहा था नीचे, तो भाभी उसको डांट रही थी। सो डुगू घर आ चुका स्कूल से। सो यहाँ मम्मी आमले का अचार बना रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं अचार आमले का। सो डुगो को मॉनिटर बनाया था क्लास का, तो वो दादी को बताने के लिए आया था कि दादी मैं मॉनिटर बन गया हूँ क्लास का। सो ये वापस आया, देखो बैच भी दिखा रहा है अपना मॉनिटर वाला। सो ये दादी को बताने गया और दादी इसको प्यार करने लग गई यहाँ पे। दादी इसको जब भी पा रही थी यहाँ प्यार से। और यहाँ आमले का चार बन के रेडी हो चुके। किसी को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स पे शेयर करना, तो मैं ज़रूर शेयर कर। सो उसके बाद मैं सो गई थी, तो भाभी डुगो और मम्मी तेलंग लंच करने आ गए। मैंने तो गया है चेन्नई जो तेलंगाना में रेस्टोरेंट है, मैंने आपको पहले भी। उन्होंने ये
आइसक्रीम का भी शेयर करिएगा, आइसक्रीम पार्लर, सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड। उनके पास सारी टाइप के फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। डुगू केयर करते शुरू हो चुका है आइसक्रीम पार्लर में भी, जैसा कि आप। सो मैं आज सो के उठी थी जस्ट अभी, तो ये लोग मेरे लिए भी पैक करा के लाए थे मटका इडली, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मैं क्रिश को खिला रही थी, जिन सारा कुछ मुँह से बाहर निकालती, देख सकते मेरे बाल बाल कैसे उड़ रखे हैं, और ये हमारा सुंदर सा मंदिर। सो भाई आ चुके काम से और चाय पी रहे, तो मैं वीडियो बनाने लग गई थी, और डुगू अभी भी सोया हुआ, दोपहर का उठा ही नहीं था, खेलने लग गया। तो भाई हाय कह रहे थे, तो मैं भाभी से पूछने आया था आज क्या बन रहा है में, तो भाभी कहते आज दाल मखनी बना रहे हैं राजमा कुकर में, हमारा राजमा तो डाल दिए थे मिक्स। तो यहाँ फिर हम गोलगप्पे खाने आ गए थे, डुगू खा रहे, और ये मैंने खाया, और मैंने डाल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये टपरी वाले गोलगप्पे। तो जिस जिसको लगते हैं टपरी वाले गोलगप्पे अच्छे हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। सो आई लव इट। और ये क्रिश बैठा हुआ था भैया की गोदी में, और ये भी सबको पापड़ी खा रहा था ये, तो भैया इसको कहते हैं हाय कर दो, ये इसने हाय गाइस कर दिया, आप देख सकते हैं। गोलगप्पे से मेरा पेट नहीं भरा था ना, उसके बाद फिर हम चाप खाने के लिए आ गए थे यहाँ पे तिलक नगर में, चाप वाला एंड इट्स वेरी यमी, इनकी चापें बहुत अच्छी होती है, तो मैं आपको इनके लिए भेजती हूँ। फिर मैं भी खा रही थी उसके बाद, तो हम लोगों ने सब ने खाना शुरू कर दिया था। दैट्स प्रेम जी सोया चाप तिलक नगर में, और इनकी चापें बहुत टेस्टी होती हैं। सो बाय गाइस, गुड नाइट, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल दैट इज दाविश फैमिली ब्लॉग्स, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।